सिस्टम ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फ्लो ऑफ वॉटर होने वाला है वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से, से होने वाला है और ग्रेविटी फोर्स ये फोर्स क्या होता है नेचुरल फोर्स होता है मतलब हमें एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं होती अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द वॉटर फ्लोज ऑटोमेटिकली फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट आफ्टर प्यूरिफिकेशन

ठीक है और आपको सप्लाई करना है यहां पर दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ हाइट हाइट यहां यहां से लेके तक जो का डिफरेंस डिफरेंस है दिस इज द ऑफ हाइट हाइट तो ये का अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये यह हाइट यहां पर अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रेविटी सिस्टम के जरिए से ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे ठीक है

system So that is why we normally use the gravity distribution system The design of the distribution system pipe is done in such a way that water head available at the consumer end is just minimum required and the remaining head is consumed in frictional and other losses Kuch alag losses bhi hai. frictional losses hai वो सारी चीजें हम कंसिडर करने के बाद में ही हम इस सिस्टम को डिजाइन करते हैं देखो आपने हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ा होगा दिस इज द स्टेटिक प्रेशर स्टेटिक मीन्स रेस्ट द प्रेशर एट रेस्ट इज कॉल्ड एज द कॉल्डिक प्रेशर तो ये लाइन क्या शो कर रही है हमारी स्टेटिक प्रेशर लाइन शो कर रही है दिस इज एच एफ एच एफ मीन्स हेडलॉस ड्यू टू फ्रिक्शन तो जब वॉटर यहां से लेके यहां तक के जब फ्लो करेगा तो पाइप से जब फ्लो करेगा देर इज ऑलवेज फ्रिक्शन इन द सर्फेस ऑफ दाइप दैट्स वाई देर इज

की कोई जरूरत नहीं होती सिंपल है ये मेथड रिलायबल है इकोनॉमिकल है लीकेजेस वगैरह कम होते हैं वेस्टेजेस कम होता है लीकेज कम है इसका मतलब उसमें जो मेंटेनेंस की जरूरत है वो हमें क्या पड़ेगी कम पड़ेगी और यहाँ पर जो पाइप की जो साइज रिक्वायर्ड रहेगी ग्रेविटी सिस्टम में वो कम होती है अब पाइप की साइज कम है मतलब डायमीटर अगर हमें कम लग रहा है इसका मतलब पाइप की कॉस्ट हमें कम लगेगी पाइप की कॉस्ट कम लगेगी इसका मतलब ये मेथड हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस दिस सिस्टम इज नॉट सुइटेबल इफ द सोर्स इज नॉट एट सफिशिएंट एलिवेशन टू कॉज द फ्लो अंडर ग्रेविटी अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो इनलेट है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो हाई लेवल पे नहीं है और जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वो लो लेवल पे नहीं है तो हम ग्रेविटी सिस्टम को यूज कर ही नहीं सकते ठीक है उस केस में हमें पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूटिलाइज करना पड़ेगा तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर ऐसी हमारी टोपोग्राफी नहीं है हमारी जन जो ग्राउंड एरिया है वो इस तरीके का नहीं है तो हम ग्रेविटी सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे दिस सिस्टम कैन नॉट प्रोवाइड हाई प्रेशर फॉर फायर डिमांड बहुत ज्यादा प्रेशर हमको मिलेगा नहीं बिकॉज ग्रेविटी प्रेशर सिर्फ मिलने वाला है और पंपिंग के जरिए से प्रेशर हमें ज्यादा मिलता है एक्स्ट्रा मिलता है तो फायर के लिए हम पंपिंग सिस्टम का हम यूटिलाइज कर सकते हैं बट इन केस ऑफ ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हाई प्रेशर हमें मिल नहीं पाता जिसकी वजह से फायर डिमांड की का जस्टिफिकेशन होना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है नेक्स्ट मेथड इज पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपोजिट है ये ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जस्ट अपोजिट इज द पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिस मेथड पंप्स फोर्स वाटर डायरेक्टली इनटू द मेन हम पंप के जरिए से वाटर को क्या करते हैं फोर्स करते हैं इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पंप फॉर एनी रीजन वाटर सप्लाई टू द टाउन इज इंटरप्टेड सबसे पहली बात तो यह है कि हम पंप वहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं पंप क्या यूज करता है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्री में नहीं मिलती दैट्स पंप भी फ्री में नहीं मिलता वो भी हमें खरीदना पड़ता है उसकी भी कॉस्ट होती है प्लस इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होते हैं प्लस अगर किसी रीजन की वजह से पंप हमारा इनऑपरेटिव हो गया उसका वर्किंग रुक गया तो वो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट

ठीक है ये देखो कब यूज करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारा वाटर सोर्स यहां पर है लो लेवल पर है ठीक है दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर और हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वाटर को यहाँ पे करना है तो ये लो लेवल से हाई लेवल पे वाटर बाय ग्रेविटी तो फ्लो नहीं कर सकता इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा पंप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम एक पंप हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस पंप हाउस के जरिए से वाटर क्या करते हैं हम हमारे सोर्स से लिफ्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया तो स्टार्टिंग में जैसे ही पंप करेंगे तो एक प्रेशर हमारा यहाँ पर रहेगा और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा वाटर इन द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तो जब वो फ्लो करेगा पाइप के जरिए से तो देर इज ऑलवेज फ्रिक्शन देर देर फॉर देर इज हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड लास्ट वन इज द रिसल हेड रिसल हेड का होना कोई भी सिस्टम आप यूज करो रेसिडुअल रेसिड्यूअल का होना कंपलसरी है सो दिस इज द पंपिंग सिस्टम द डिफरेंट डिमांड रेट्स एट डिफरेंट लाइंस आर मेड यूजिंग डिफरेंट पंप्स हैविंग वेरियस स्पीड्स हर पंप की अलग अलग क्वालिटी होती है हर एक पंप की अलग अलग स्पीड होती है तो अकॉर्डिंगली हम पंप्स क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट द रिक्वायर्ड प्रेशर इन द पाइपलाइन इज बाय डायरेक्ट पंपिंग अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि फायर के लिए हमें विथ प्रेशर और मैक्सिमम अमाउंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर की जरूरत पड़ती है तो हम पंप के जरिए से वो हम कर सकते हैं सफिशियंट प्रेशर अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फॉर एनी टोपोग्राफी ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि आपकी टोपोग्राफी कैसे भी हो अप हो डाउन हो हिली एरिया हो प्लेन एरिया हो कैसा भी एरिया हो आप पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए से वाटर को सप्लाई कर सकते हैं बट द डिसंटेजेस आर वेरी मच मोर देन द एडवांटेजेस फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस वाटर सप्लाई की जरूरत है सफिशियंट क्वान्टिटी की जरूरत है हो गया मतलब पंप पर काम नहीं कर पाएगा. Losses and wastages होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इकोनॉमिकल तो बिल्कुल भी नहीं है डबल ट्रिबल चौबल पचबल हंड्रेड टाइम्स भी आप पता नहीं कितने टाइम्स कॉस्ट लगेगी एज कम्पेयर टू द ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी बहुत ज्यादा होती है ठीक है

हमारे पंपिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के उसको हमने यूटिलाइज कर लिया है मतलब फायदे भी मिल गए और जो डिसएडवांटेजेस थे उसको भी हमने कम कर दिया किस तरीके से देखो यहां पर हम क्या करते हैं मैं डायग्राम से डायरेक्टली आपको बताता हूं <coughs> मान लीजिए दिस इज द पंप हाउस है ना ये एक आपका इनलेट है यहां से आपको पंप वाटर को क्या करना है ऑक्युपाई करना है आप क्या किया पंप के जरिए से वाटर को यहाँ से लिफ्ट किया और लिफ्ट करके आपने एक बनाया था एलिवेटेड एक हाइट के उपर, के ऊपर और पंप जरिए से आपने उस वाटर को वहां पर स्टोर कर दिया तो आपको पंपिंग करने के लिए पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पंप की जरूरत नहीं पड़ी आपने क्या किया जस्ट वाटर को यहां पर इस रिजर्वायर में स्टोर करने के लिए पंप का इस्तेमाल किया मतलब आपने 100% पंप का यूज नहीं किया हुआ है कुछ 10% 20% में अपने वाटर को स्टोर कर लिया अब वाटर इस लेवल पे आ चुका हुआ है हायर लेवल पे है और आपको जो एरिया में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लो लेवल पे रहे। यह यहाँ पर है इस लेवल पे और वाटर इस लेवल पे है तो आपके पास इतना स्टैटिक हेड अवेलेबल हो गया दिस इज द स्टैटिक हेड स्टैटिक प्रेशर लाइन और जब फ्लो करेगा वाटर थ्रू द पाइपलाइन देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शनल लॉस तो ये फ्रिक्शन हेड लॉस हो जाएगा ये इतना और ये यहाँ पर रेसिजुअल हो जाएगा तो आपने पंपिंग के जरिए से इस reservoir में water को कर दिया और फिर स्टोर होने के बाद में water by gravity flow हो रहा है। मतलब यहाँ पर ऑफ बोथ मेथड पंपिंग सिस्टम एज वेल एज ग्रेविटी मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर इस्तेमाल होने वाला है इन द बिगिनिंग वेन डिमांड इज स्मॉल द वॉटर इज स्टार्टेड इन द रिजर्वायर इन द रिजर्वायर हम क्या करते हैं जब डिमांड ज्यादा नहीं होता पब्लिक के अंदर हम पानी को स्टोर करके रख लेते हैं रिजर्वायर के अंदर और जब डिमांड की जरूरत होती है डिमांड इंक्रीज करता है तो द रेट ऑफ लो इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कम्स फ्रॉम बोथ द पंपिंग स्टेशन एज वेल एज द एलिटेड रिजर्वायर बहुत ज्यादा अगर डिमांड है तो हम डायरेक्टली पंप से भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर को सप्लाई कर सकते हैं प्लस द एलिवेटेड स्टोरेज में जो वाटर हमने स्टोर कर रखा है, वहां से भी हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हैं तो इस मेथड को हम कहते सिस्टम ऑफ़ ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन वाटर। बैलेंस रिजर्व इन दिजर्वायर विल बी यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसीज अभी देखो ये जो स्टोरेज रिजर्वायर है ये जो एक टैंक की तरह इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर हमारे स्टोर्ड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है तो जब कभी भी इमरजेंसी कॉज होती है तो हम इमीडिएटली, इस वाटर को क्या कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं और पंप जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड पे वर्क करता है उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती एलिवेटेड स्टोरेज में बस पानी को स्टोर करना है इसलिए पंप की जो लाइफ होती है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है पावर फेल्यूअर अगर होता है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम पानी को अब सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे अगर पावर नहीं है तो उतनी देर तक के हम पंप बंद करके भी रख सकते हैं उतने पीरियड के लिए हम हमारे एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर से हम बाय ग्रेविटी वाटर को सप्लाई कर सकते हैं ये सिस्टम क्या है इकोनॉमिकल है रिलायबल है और इफिशियंट है स्पेशल सुपरविजन की भी इसको ज्यादा जरूरत नहीं है तो इसीलिए हम एज फार एज पॉसिबल या तो हम ग्रेविटी फुल ग्रेविटी सिस्टम को यूज करते हैं अदरवाइज कंबाइन सिस्टम को यूज करते हैं ओनली पंपिंग सिस्टम को यूटिलाइज करना ये फिजिबल नहीं है क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है